अपने वे नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वे नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जय हिंद। आज हम आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जगह माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से इंटीग्रेशन अर्थात फर्स्ट यूनिट हमने जो है बहुत ही अच्छी रीति से खत्म कर चुका, तो आज जो है हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो हेडिंग डाला हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इक्वेशन आखिर होता क्या है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें जो है दो स्टेटमेंट आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि आपने जो है इस तरह से लिखते होंगे 2x + 3 = 5, तो यहाँ पर जो है जो इक्वल टू है ये क्या कह रहा है कि वो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों जो है आपस में बराबर है, तो ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन का नाम हम जैसे कि बोलते हैं ये लीनियर इक्वेशन है, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लीजिए आपके पास जो है इस तरह से रहता है x² + 2x + 3 = 0, तो ये कौन सा इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं sin²θ + cos²θ = 1, तो ये क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन है। यानी कि इक्वेशन का मतलब वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें जो है दो स्टेटमेंट आपस में बराबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको जो है इक्वेशन का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? तो ध्यान दीजिए, जिस तरह से नाम है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए, वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिखा है एन इक्वेशन डैट इन्वॉल्व्स वन और मोर डेरिवेटिव और डिफरेंशियल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए x · dy/dx + y = 0, तो यहाँ पर जो है dy/dx अर्थात यहाँ पर जो है डेरिवेटिव जो है इन्वॉल्व है, यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी तरह से मान लीजिए dy/dx = 0, तो ये क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। मान लीजिए x² / dx² + y · dy/dx = 0, यहाँ पर जो है देखिएगा डिफिनीशन को, एन इक्वेशन डेट इन्वॉल्व्स वन और मोर डेरिवेटिव्स, यहाँ पर जो है दो गो डेरिवेटिव है, एक से ज़्यादा डेरिवेटिव है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। सबसे पहले तो आपको मीनिंग को समझ में आना चाहिए कि आखिर ये यूनिट जिस यूनिट को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें करना क्या है। इसीलिए हम जो है आपको सबसे पहले अच्छी रीति से समझाना चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। यानी कि हमने आपको बताया वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान दीजिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, दो टाइप होता है। पहला क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको जो है सिलेबस में केवल आपको पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हमने जो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर फंक्शंस ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो जिसमें डिफरेंशियल मौजूद होना चाहिए, अर्थात जिसमें जो है डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें केवल
एक ही जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखिए केवल जो है एक ही जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अर्थात क्या है x, यानी कि हम जो है इसको डेरिवेटिव करने जा रहे हैं केवल x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये कौन सा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर हम बात करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर x के भी रिस्पेक्ट में और t के भी रिस्पेक्ट में, यानी कि दो जो है यहाँ पर एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो है केवल एक ही जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, केवल एक होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरी बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जस्ट अपोजिट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर फंक्शंस ऑफ मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि दो से ज़्यादा होना चाहिए, दो से ज़्यादा होगा या एक नहीं होगा, दो से ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर वन है ना, यहाँ पर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि सबसे पहले आपको तो समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो हमको जो सिलेबस में पढ़ना है केवल और केवल ODE पढ़ना, अर्थात ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, तो हम इस पर जो है ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अर्थात पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दीजिए ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है बहुत सारा MCQ आता है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो MCQ आते हैं वो जो है ऑर्डर एंड डिग्री का केवल जो है MCQ होता है, अर्थात आपको पूछ देगा डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए आपको जो है काफ़ी अच्छा रीति से जो है आपको समझना होगा। ध्यान दीजिए ये टॉपिक जो है बहुत आसान है लेकिन केवल आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर का डिफिनेशन हमने लिखा है द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट डेरीवेटिव प्रेजेंट इन इक्वेशन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऑर्डर क्या होता है। मान लीजिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, मतलब वो सेकेंड ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इक्वेशन दिया है ए नंबर में DQy/dx³ का पावर क्या दिया है 2 प्लस D²y/dx² का पावर दिया है 5 प्लस y=e^x। अब इसमें जो है यहाँ पर कह रहा ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा ये जो है थर्ड ऑर्डर है, ये जो है सेकेंड ऑर्डर है। हम पावर की बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि इस तरह से नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिए D²y/dx² और ये पावर है, तो इसको जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस तरह से लिख देते हैं D²y/dx⁴। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसको आप जो है बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, उस तरह से नहीं होगा। ये इसका मतलब, ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो आपका जो डिफरेंशिएशन जो करने के बाद जो आंसर आता है, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो निकालने के बाद जो आंसर है उसका जो है हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, ना कि जो है ये इसका मतलब कि चार बार जो है डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है तो 3 है, यानी कि ऑर्डर आपका क्या हो गया, ऑर्डर जो है 3 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन हम कराएंगे। सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसमें जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि तीन हो गया। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑर्डर क्या है तो वन है। इक्वेशन नंबर थ्री में देखिएगा, तो यहाँ पर जो है सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि इसका जो है ऑर्डर क्या होगा तो टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया है हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन ए इक्वेशन। पहला में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या था, तो तीन था, क्योंकि यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है तो हमने लिखा ऑर्डर तीन। दूसरा में देखेंगे तो यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी वन है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर होगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ टू है, यहाँ पर वन है, यानी कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, टू है। ऑर्डर आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डिग्री के बारे में, तो डिग्री पर ध्यान दीजिएगा। डिग्री हम आपको बहुत अच्छा रीति से समझाएंगे, लेकिन अभी जो है आप केवल समझ लीजिए डिग्री का मतलब होता क्या है। तो डिग्री का डिफिनेशन ये है, द मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, द मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। केवल इस लाइन को समझ जाइएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले ऑर्डर तो आपको पता हो गया, यहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। तो यहां पर मैक्सिमम पावर क्या था, तो यहां पर थ्री था ये वाला, ठीक है ये वाला है ना। अब इसका जो है पावर क्या है, तो इसका पावर क्या है तो टू है, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर है उसका पावर क्या है, यानी कि ऑर्डर क्या है तो ये ऑर्डर है। अब इसका पावर क्या है तो टू है, तो ये हो गया डिग्री। सबसे पहले आप डिग्री समझ गए तो आपको ऑर्डर समझ में आएगा। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो यहां पर जो है मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है वन, यानी कि इसका पावर क्या है तो टू है। यहां पर हम ले लेंगे टू, डिग्री क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब बोलिए कि सर यहां पर आपने जो ऑर्डर वन इसका भी लिया होगा चाहे इसका भी लिया होगा, किसी एक का लिया होगा, तो ऑर्डर इसका भी वन है, इसका भी वन है, लेकिन हम देखेंगे कि मैक्सिमम पावर किसका है, इसका वन है, इसका टू है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स। हम यहाँ पर बोलेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो इसका पावर क्या है, तो इसका पावर वन है ना, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये हो गया ऑर्डर एंड डिग्री। लेकिन हम आपको बता दें डिग्री उतना आसान नहीं है जितना आसान आपने सोच लिया, अभी उतना आसान नहीं है। अभी हम डिग्री के बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि डिग्री आखिर किस तरह से निकालना। इस तरह का इक्वेशन देख कर तो आप बता दे रहे हैं कि डिग्री क्या है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी इक्वेशन होता है जिसको देख कर बताना मुश्किल होता है कि उसका डिग्री क्या है, तो हम चर्चा करने जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री जो आप निकालने जा रहे हैं, डिग्री उसमें जो है क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। ऑर्डर तो निकालना बहुत आसान है, लेकिन डिग्री के लिए आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिस इक्वेशन का आप डिग्री निकालने जा रहे हैं वो जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जिस इक्वेशन का आप डिग्री निकालने जा रहे हैं वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव क्या होता है, पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक्स प्लस वाई डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है। अब इस इक्वेशन को देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ये इक्वेशन पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको कंडीशन हम आपको बता दें, जो आपका डेरिवेटिव है वो जो है प्लस होगा, मतलब कि एडिशन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा, या जो है किसी कॉन्स्टेंट के साथ वो जो है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि कोई कॉन्स्टेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, उसका जो पावर होगा वो जो है इंटीजर होगा। ध्यान दीजिएगा, पावर क्या होगा, इंटीजर अर्थात होल नंबर होगा।
इंटीजर होगा, पावर क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नहीं कि 1/2 पॉइंट में नहीं होना चाहिए, वो जो है इंटीजर होना चाहिए। पावर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो वो जो है पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं हो सकता है। जगह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, या जो पावर रहेगा उसका इंटीजर रहेगा। पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। या नहीं, ये नहीं कि 1.5, 2.5, √2, √3 ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पावर होगा वो पॉजिटिव में होगा, -2, -3 ये नहीं होना चाहिए, तभी जो है उसको हम बोल सकते हैं पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम पूछे कि इसका आप हमें डिग्री बताइए, इस इक्वेशन का आप हमें डिग्री बताइए, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो ठीक है डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ये चलेगा। उसके बाद प्लस है, ठीक है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई है किसके साथ मल्टीप्लाई है, कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, कि नहीं ये जो है पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए एक्स डी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका गिवन जो इक्वेशन है ये तो ठीक है, चलिए एक्स इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ई का पावर एक्स है। हमने बोला कि केवल जो है एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चाहिए, पावर जो होगा वो इंटीजर होना चाहिए, पावर जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा जो है पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको हम अगर कुछ कोर्सेज भी करेंगे तो पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं बनेगा, यानी कि इसका आप डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसका हम डिग्री निकालने के लिए कोर्सेज करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए दिया है 6 dy/dx का पावर 2 इक्वल टू 20x - 1 dy/dx। अब इसका हमें ऑर्डर निकालना है और डिग्री भी निकालना है। तो हमने आपको बताया था ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, डिग्री के लिए हमने जो है आपको कंडीशन बताया था, जो डी बाई बाई डी एक्स होगा अर्थात जो डेरिवेटिव होगा उसके साथ या तो एडिशन हो सकता है, या तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या तो कॉन्स्टेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई हो सकता है, कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या तो उसका कोई पावर हो सकता है, इंटीजर होगा। पावर क्या होगा, इंटीजर होगा, वो भी पॉजिटिव में होगा। ये जो है केवल इतना ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेरिवेटिव है उसके साथ 6 मल्टीप्लाई है, चलिए ठीक है, उसके बाद इसका पावर क्या है, 2 है, तो चलिए ये जो है पॉजिटिव है, इंटीजर है, तो ये तो ठीक है। यहाँ पर तो डेरिवेटिव है नहीं तो इसको हम देखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव है। अब इस डेरिवेटिव में देखिए माइनस है, यहाँ तो माइनस ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है डिवाइड में है, डिवीजन में है। हमने बोला केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का तो बात नहीं किया था, यहाँ पर डिवीजन में है, यानी कि सबसे पहले तो इसको जो है पॉलीनोमियल बनाना पड़ेगा, पॉलीनोमियल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पॉलीनोमियल बनाने के लिए, हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय डी बाई बाई डी एक्स, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं डी बाई बाई डी एक्स से। तो ये क्या हो जाएगा 6 dy/dx 3 हो जाएगा इक्वल टू 20x dy/dx - यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई बाई डी एक्स से तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 6
इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर पावर 2 था, हमने जो है डी वाई बाई डी एक्स से फिर मल्टीप्लाई किया तो पावर 3 हो गया। इक्वल टू 20x था तो हमने जो है डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 20x डी वाई बाई डी एक्स हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया। अब जो है ये जो है पॉलिनोमियल इनडिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसका जो है डिग्री बताएंगे और ऑर्डर बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर इसका क्या होगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर क्या होगा 1 होगा, ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले डिग्री यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 3 है, मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, ये भी है लेकिन यहाँ पर पावर क्या है 1 है, लेकिन हम किसको कंसीडर करते हैं मैक्सिमम पावर को, यहाँ पर पावर क्या है 3 है, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, 1 प्लस डी वाई बाई टी एक्स का पावर 3 है, उसके बाद ब्रैकेट लगाकर पावर जो है 5/2 है, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू सी है। अब जो है इस इक्वेशन को देखिएगा, तो सबसे पहले जो है इस तरह से आप डिग्री और ऑर्डर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसके साथ डेरिवेटिव लगा होगा वो जो है केवल और केवल एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, पावर जो है इंटीजर होना चाहिए वो भी जो है पॉजिटिव होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए केवल और केवल इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा इसका जो पावर है वो जो है होल नंबर नहीं है, अर्थात इंटीजर नहीं है, 5/2 है यानी कि 2.5, तो हमने बोला था इस तरह का नहीं होना चाहिए, इसको हमें जो है सबसे पहले पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये जो है डिवीजन में है, ये जो है डिवीजन में तो हो ही नहीं सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन का तो हमने बात ही नहीं किया था, ये जो है डिवीजन में है, तो सबसे पहले आप इसको पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश कीजिए, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 डी बाई बाई डी एक्स का पावर 3 का पावर होल पावर है 5/2 इक्वल टू सी इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। पहला काम हमने क्या किया, इसको जो है इधर ले गया, अर्थात जो है कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन है, चलेगा कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। अब यहाँ पर जो है केवल हमें फेरा है, यानी कि यहाँ पर गड़बड़ है, पावर जो है इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पर पावर क्या है इंटीजर नहीं है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा देखिए चेंज करने के लिए केवल 5/2 यानी कि 2 केवल हमको प्रॉब्लम कर रहा है, 2 है अगर हट जाएगा तो ये जो है होल नंबर बन जाएगा 5, तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 जो है हट जाएगा और केवल बचेगा 5, यानी कि स्क्वायर कर दीजिए आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डी बाई बाई डी एक्स का पावर 3 का पावर हो जाएगा 5, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू सी इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर के, तो ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर है, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। अब हम बात करते हैं डिग्री की, तो जो सब हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये था, इसका पावर है 2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, यही आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिया है √1 डी बाई बाई डी एक्स का पावर 2 इक्वल टू सी इंटू डी क्यू बाई डी एक्स क्यू। अब हमें इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में डायरेक्ट जो है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डायरेक्ट आप उसका ऑर्डर और डिग्री नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है रूट में चढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए अर्थात पॉलिनोमियल बनाइए।
तो इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 है और उसका होल पावर जो है 1/2 है। रूट का मतलब क्या, 1/2, यानी कि ये इंटीजर नहीं है, केवल और केवल हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको हमें इंटीजर बनाना है। उसके बाद तो ये ठीक है, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपका डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, कंडीशन हमने बताया था, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2 जो है अपने आप जो है इंटीजर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस डी बाई बाई डी एक्स का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 तो इसी तरह से रहेगा, उसके बाद ये जो है पावर ख़त्म हो जाएगा, इक्वल टू सी इंटू डी क्यू बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यू का पावर हो जाएगा 2, क्योंकि हमने जो है यहाँ स्क्वायरिंग किया है। अब हम इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर यहाँ पर जो है सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3 है। अब हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहाँ पर 2 है, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ऑर्डर हो गया 3, डिग्री हो गया 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम इस सेशन को समराइज करके ख़त्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से दिया है। तो हमने आपको बताया था यहाँ पर जो है पावर क्या है, इंटीजर में है, तो इसको जो है चेंज करना पड़ेगा, इसको जो है पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है 3d² / dx² और इस y को हम इधर ही रहने देते हैं, यानी कि y इक्वल टू ये जो है उस साइड में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2 √(1 - d/dx)² ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब करेंगे तो हो जाएगा 3d²y/dx² - y² हो जाएगा, इक्वल टू ये जो है पूरा के साथ स्क्वायर होगा, यानी कि -2 √(1 - d/dx² का पूरा का स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या होगा, a - b² क्या होता है, a² - 2ab, यानी कि a² यानी कि 3 * 9 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से हो जाएगा a² - 2ab, तो 2 हो गया इंटू ए, तो ये है इंटू 3d²y/dx² 2a हो गया, उसके बाद b इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है, 2ab प्लस में हो जाता है b², यानी कि y का स्क्वायर इक्वल टू ये जब करेंगे तो ये जो है आपका 4 हो जाएगा, 4 * और इसका जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 - d/dx² 2, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ऑर्डर और डिग्री निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर ऑर्डर है 2, यहाँ पर भी ऑर्डर है 2 और यहाँ पर ऑर्डर है 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो 2 है, यानी कि ऑर्डर जो है 2 हो जाएगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर पता हो गया तो उसका पावर सबसे ज़्यादा क्या है, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 हो जाएगा। तो 2 ये दोनों जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डर और डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर है और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर। अब हाईएस्ट ऑर्डर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर किसका है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट ऑर्डर है, लेकिन इसका पावर क्या है, 1 है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे 2 को, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हमने बताया ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।